कॉम्पिटेटिव ऑप्टिक्स आईआईटी जेई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है एडवांस में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा जाता है ना। स्पेशली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है इस चैप्टर में, पढ़ते हैं हम लोग, उस टॉपिक से या उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो थ्योरी है वो वेव्स से काफी मिलती जुलती है, तो वहां पर जो हमने 11th में वेव्स की जो थ्योरी पढ़ी थी उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है यहां पर यूज में आने वाला है। जैसे एक हमने टर्म पढ़ा था वहां पर वेव फ्रंट के बारे में, तो यहां भी वेव फ्रंट का काफी यूज आता है। तो सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट को ही समझेंगे। इसमें वेव फ्रंट जो है कहा जाता है, इट इज इनवेलप ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक, तो जैसे कि मैं एक फिगर से समझाता हूं, आपने देखा होगा कि वाटर सरफेस के ऊपर अगर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया जाए तो सर्कुलर रिपल्स बनते हैं, है ना। सपोज यहां पर जो है स्टोन ड्रॉप किया तो ऐसे सर्कुलर रिपल्स बनेंगे यहां पर, है ना। तो अगर हम बात करें किसी भी एक सर्किल की बात करते हैं, जैसे सबसे बाहर वाला सर्किल है ना, तो इस सर्किल पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे या पॉइंट्स होंगे सारे इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेंगे सोर्स से, है ना। मान लिया ये आर डिस्टेंस है तो सारे इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो वेव है उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसका मतलब हर पॉइंट के लिए जो वेव का पाथ लेंथ है वो इक्वल है। अगर पाथ लेंथ इक्वल है तो पाथ डिफरेंस भी जीरो आएगा फिर, है ना। पाथ डिफरेंस होता है पाथ लेंथ का डिफरेंस। अगर एक्स टू एक्स वन बराबर हो गए तो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब यह हुआ कि फेज डिफरेंस भी जीरो हुआ, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था वेव में, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जीरो तो डेल्टा फाई भी जीरो। और डेल्टा फाई जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, यानी कि सेम फेज में है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ये पार्टिकल्स, तो अगर एक ऊपर जाएगा तो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर गए होंगे, अगर एक नीचे जाएगा तो सारे के सारे नीचे जाएंगे। तो इस तरह से एक साथ में ऊपर नीचे ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो वेव फ्रंट होता है वो कई टाइप का होता है। जैसे हम बात करें एक पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर अ पॉइंट सोर्स शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट होता है। जैसा कि हमने साउंड वेव में भी पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट से साउंड निकल रहा है, यहां पर हम लोग बात करेंगे लाइट की, लाइट वेव निकल रहा है तो हर डायरेक्शन में निकलता है, ऊपर नीचे आगे आगे पीछे साइड में, है ना, हर तरफ निकलता है। यानी कि यहां से जो भी वेव निकलेगा वो पूरे जो है चारों तरफ फैलता है। तो अगर मैं आर रेडियस का स्फेयर बनाऊं इसके अराउंड, इसको पॉइंट सोर्स को सेंटर पर रख लूं, तो उस पॉइंट सोर्स से जितना भी वेव निकलेगा वो एक साथ में स्फेयर के सरफेस पर पहुंचेगा, है ना। हर तरफ निकलने वाला जो वेव है वो स्फेयर के सरफेस पर एक साथ में पहुंचेगा। एक साथ में पहुंचने का मतलब ये है कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। यानी उस स्फीयर पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक साथ में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर एक ऊपर जाएगा तो सारे के सारे ऊपर जाएंगे, एक नीचे आएगा तो सारे के सारे नीचे आएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, अगर ये मान लिया जाए कि जो पॉइंट सोर्स है इसका पावर है डब्लू, डब्लू जैसा कि हम लोग जानते हैं यहां पर पावर का मतलब है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम,
है ना, यहाँ पर लाइट एनर्जी की बात करेंगे, एक सेकेंड में लाइट एनर्जी जितना यहाँ से रेडिएट हो रहा होगा वही इसका पावर है। अगर हमें यहाँ पर यहाँ से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये होता है पावर पर यूनिट एरिया, जो W पावर है या यूं कहें कि जो एनर्जी है वो इस स्फेयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी हर यूनिट एरिया पर बराबर बराबर एनर्जी पहुंच रही होगी, तो इसलिए पूरे एरिया पर डिवाइड करेंगे W डिवाइडेड बाई 4πr² है ना। तो यानी कि जो इंटेंसिटी है ये हो गया W बाई 4πr², मतलब इंटेंसिटी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r². ठीक, उसी तरह से एक होता है लाइन सोर्स, लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शेप का ये वेव फ्रंट होता है। अगर इसको एक फिगर से समझें तो जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जो है वो एक लाइन सोर्स जैसा बिहेव करता है और इसके आसपास हम लोग क्या करेंगे एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हैं, सपोज आर रेडियस का सिलेंडर है ना। तो देखेंगे कि जो ट्यूबलाइट है हमने सिलेंडर के एक्सिस पर रखा है, तो इस ट्यूबलाइट से जितनी भी लाइट एनर्जी निकलेगी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके इसके सरफेस पर, सिलेंडर के सरफेस पर पहुंचेगी। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी यानी आर डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी एक्स टू हो एक्स वन हो सब जो है वो आर के बराबर होंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वेव यहां पर सरफेस पर पहुंचेगा तो पाथ डिफरेंस तो हो जाएगा जीरो, सारे एक्स टू एक्स वन बराबर हो गए तो पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट का जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए। अगर हमें यहां पर इंटेंसिटी निकालना है आर डिस्टेंस पर, सपोज इस लाइन सोर्स का पावर दिया है डब्ल्यू, तो हम लोग यहां भी वैसा ही करेंगे जैसा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए किया था, पावर पर यूनिट एरिया। मान लिया कि सिलेंडर का लेंथ है एल, तो पावर पर यूनिट एरिया, इसमें ये हम लोग मानते हैं कि जो लेंथ है इसका काफी बड़ा है, एक्सिस छोटा है, मतलब कि ये सिलेंडर छोटा है ये बड़ा है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी इधर भी निकल रही होगी साइड में उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तीसरे टाइप का जो सोर्स हो सकता है वो होता है प्लेन सोर्स। फॉर प्लेन सोर्स शेप ऑफ वेव फ्रंट इज प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड है, अगर बोर्ड को एक सोर्स मान लिया जाए तो इससे जो भी एनर्जी निकलेगी, अगर मैं बात करूं बिल्कुल पास में किसी पॉइंट पर, तो एनर्जी जो निकलेगी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलने का मतलब यह है कि जो वेव फ्रंट का शेप है वो जो है वो भी प्लेन होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया कि ये जो है अपना सोर्स है ना, ये सोर्स है, तो अगर लाइट एनर्जी यहां से परपेंडिकुलर निकल रहा होगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना, यहां से लाइट एनर्जी निकल के यहां गई, यहां वाली यहां, ऐसे ऐसे, है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगा। तो जो हमने दिखाया है पीछे प्लेन सोर्स, बिल्कुल उसके पैरेलल वैसा ही शेप का एक हमने वेव फ्रंट भी रखा है, ठीक है। तो चूंकि लाइट एनर्जी यहां पर परपेंडिकुलर निकल रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है, तो इंटेंसिटी तो घटेगी नहीं। अगर ये माना जाए कि यहां से लाइट एनर्जी सीधे जा रही है, हम लोग एंड इफेक्ट को फिर से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है वो साइड है, वो साइड काफी दूर है, पास में निकालना है तो इसको बोर्ड को
या बोर्ड जैसा सोर्स है तो उसको इनफाइनाइट सोर्स माना जा सकता है। तो पास में चूंकि एनर्जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो एनर्जी स्प्रेड नहीं हो रही, इसका मतलब आगे जाने पर भी इंटेंसिटी जो है उतना ही मेंटेन रहेगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहता है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के मैं पास में कह रहा हूं तो ये इन्फाइनाइट सोर्स जैसा होगा, इंटेंसिटी नहीं घट रही होगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, जैसे यहां से मैं 1 किलोमीटर दूर चले जाऊं, तो ये जो बोर्ड है वो धीरे धीरे पॉइंट सोर्स में बदलने लगेगा। जैसे हम बात करें कि सन है या मून है ना, मून की बात करें तो मून के सरफेस के पास जाइएगा आपको तो वो फ्लैट दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन दिखेगा ऐसा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं अर्थ के पास, हमें तो मून कैसा दिखता है, बिल्कुल पॉइंट सोर्स जैसा दिखता है, वहां से रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी आ रही होती है अपने पास। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो ये प्लेन सोर्स पॉइंट सोर्स में बदल जाएगा, और जब पॉइंट सोर्स में बदल जाएगा तो फिर इंटेंसिटी जो है इस फॉर्मूले से चेंज होने लगेगी। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, तो उनके आसपास वेवफ्रंट्स का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, उनका शेप जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेंस के आसपास कैसा होता है। जैसे मैं मान लेता हूं ये एक कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि यहां पर जो वेव फ्रंट है वो बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब कि लाइट सोर्स जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, इधर से जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहां भी जो एनर्जी जाता है, ये जो सरफेस बन रहा है, जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर एनर्जी चलता है हर जगह पे। यहां भी देखेंगे कि जो वेव फ्रंट है वो हमने दिखाया है सोर्स के पैरेलल, लेकिन एनर्जी जो है उसके जस्ट परपेंडिकुलर चल रहा है, यानी लाइट जो है उसके जस्ट परपेंडिकुलर चलता है। अगर यहां पर देखें, इसमें देखेंगे तो जो स्फेयर है, स्फेयर के परपेंडिकुलर लाइट वेव ट्रेवल करता है हमेशा ऐसे। ठीक है, यहां भी इसमें जो वेव ट्रेवल करता है वो इस सर्कुलर रिपल्स के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो सर्किल है वो स्प्रेड होता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो वेव जो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यानी जो वेव फ्रंट है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है लाइट वेव ट्रेवल करता है। तो अगर हम बात करें यहां पर कि अगर यहां पर ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट दिखाया गया है प्लेन शेप का, इसका मतलब कि लाइट कैसे आ रहा होगा, यहां पर लाइट आ रहा होगा ऐसे, इन्फिनिटी से लाइट आएगा, तो लाइट के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होते हैं या वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये लाइट रे नहीं दिखाया जाएगा, लाइट रे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में ऐसा लाइट रे नहीं दिखाया जाएगा, मैंने समझने के लिए सिर्फ दिखाया है, एक्चुअली में सिर्फ वेव फ्रंट दिखाया जाएगा, वेव फ्रंट दिखाया जाएगा। और आगे जो है इसका चूंकि फोकस यहां होता है, तो आगे जाने पर ये जो वेव फ्रंट है इसका शेप जो है वो स्फेरिकल ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसा देख सकते हैं, समझने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइट रे, लाइट रे ऐसे गया और यहां से ये मुड़ करके फोकस पर जो है इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि लाइट रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलता है, तो यहां पर ये जो वेव फ्रंट दिखाया मैंने स्फेरिकल शेप का है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हर जगह पर, वह यहां भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, तो इसलिए यहां पर वेव फ्रंट का शेप जो है स्फेरिकल हो गया। और इसके बाद ये लाइट रे जो है ये तो आगे निकल जाएगा, ये वाला भी आगे निकल जाएगा, तो इसके आगे भी जो शेप है वो स्फेरिकल ही होगा है, इस तरह से। यहां भी देखेंगे कि ये जो लाइट रे है, लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो अगर कोई कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके आसपास वेव फ्रंट का शेप जो है कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां से प्लेन आया, यहां स्फेरिकल शेप का हो गया। ठीक, अगर हम बात करें किसी कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस का मतलब हो गया डाइवर्जिंग लेंस की, तो डाइवर्जिंग लेंस जो है कुछ ऐसे शेप का होता है,
ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लेते हैं कि इस पर भी इन्फिनिटी से लाइट रे जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। मैं जानबूझ करके पहले लाइट रे ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे कि आपको वेव फ्रंट का शेप समझ में आ जाए। अब ये क्या है, यहां से ये डाइवर्ज कर देता है, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इसका फोकस होता है यहां पर एफ, है ना। तो अगर यहां पर हम लोग जो है वेव फ्रंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, चूंकि लाइट इंसिडेंट लाइट बिल्कुल पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वेव फ्रंट जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे यहां था वैसे यहां भी। यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया था, यहां भी आया है, तो वेव फ्रंट ऐसा होगा। अब यहां पर देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, जो क्रॉस कर गया लाइट, वो जो है यहां पर एक तरह से कहा जाए तो डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे है ना। तो यहां पर जो वेव फ्रंट का शेप होगा रिफ्रैक्टेड वाले का, वो ऐसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होगा, जिसका सेंटर कहां पर आएगा, फोकस पर, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कि लेंस के आसपास वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब देखते हैं कि मिरर के आसपास जो है वेव फ्रंट का शेप या बिहेवियर कैसा होता है। तो लेंस के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मिरर के आसपास जो है वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसा मान लिया जाए कि इसमें भी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाइट रे का शेप हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, है ना, सिर्फ वेव फ्रंट दिया रहता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइट रे है इन्फिनिटी से आया और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये फोकस पर कहीं कन्वर्ज हो जाएगा। तो अगर वेव फ्रंट का शेप देखा जाए तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड वाले के, रिफ्लेक्टेड वाला जो है कन्वर्ज हो रहा है यहां पर, तो इसका ऐसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप का ये होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। अगर डाइवर्जिंग मिरर की बात करें, जैसा कि ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया और लाइट रे गया ऐसे, और इसके बाद जो है ये लाइट रे ऐसे कहीं यहां पर ऐसे डाइवर्ज हो जाता है इस तरह से, और पीछे जाकर के कहीं फोकस पर इंटरसेक्ट करता हुआ लगता है, है ना। तो अगर यहां पर वेव फ्रंट दिखाए तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो इसके ऐसा होगा, क्योंकि इंसिडेंट वाला लाइट रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब रिफ्लेक्टेड की बात करें तो रिफ्लेक्टेड वाला देखेंगे यहां से आगे तो जाएगा नहीं, लाइट रे यहां से पीछे होगा और ये ऐसा डाइवर्ज हो रहा है एक तरह से, तो यहां पर स्फेरिकल शेप का ऐसे दिखाएंगे, है ना, ये हो गया डाइवर्जिंग जो है वेव फ्रंट हो गया। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। उसी तरह से अगर कोई प्रिज्म हो तो प्रिज्म के आसपास भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर माना जाए कि ये प्रिज्म है, है ना, प्रिज्म पर भी सपोज लाइट रे ऐसे आया हॉरिजेंटल, और यहां से ये बेंड होने के बाद ऐसे कहीं चले जाता है। तो अगर इसमें वेव फ्रंट दिखाएंगे तो वेव फ्रंट का शेप यहां पर लाइट रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा, और इसके बाद जब क्रॉस कर जाएगा तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया प्रिज्म के आसपास वेव फ्रंट का शेप। अगर माना जाए कि किसी मिरर से रिफ्लेक्ट, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, तो अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, यह सपोज प्लेन मिरर हो गया,
प्लेन मिरर पर ये हो गया नॉर्मल, तो इसमें कोई लाइट रे ऐसे आता है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चले जाता है ना। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात करें तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा, मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट रे है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना ऐसे, और जो रिफ्लेक्टेड वाला है वो ऐसे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला जो लाइट रे है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें जैसे अगर ये वाला एंगल मैं मान लूं आई है, तो ये वाला एंगल जो है ये आर होगा। ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ये इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल, ये वाला एंगल आई होता है, ये आई जो है वो इसके बराबर होता है। ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इस मिरर से जो भी एंगल बना रहा होगा वही एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। जैसे देख सकते हैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये तो 90 है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा, फिर ये आई हो जाएगा। उसी तरह से इधर से भी ये आर है, ये 90 है, ये 90 माइनस आर होगा, तो फिर ये आर हो जाएगा। हमें पता है आई और आर जो है वो इक्वल होते हैं यहां पर रिफ्लेक्शन के केस में। अगर बात किया जाए रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो यहां पर सपोज ये प्लेन सरफेस हो गया और प्लेन सरफेस के दोनों तरफ डिफरेंट मीडियम है। सपोज यहां पर रेयरर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम है, ये हो गया नॉर्मल। तो यहां पर अगर कोई लाइट रे आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से बेंड हो जाएगा, है ना। तो अगर वेव फ्रंट यहां पर दिखाना हो तो यहां पर वेव फ्रंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, है ना। यहां पर जैसे कहा जाए कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के इक्वल होगा। यहां पर जो वेव फ्रंट है ये कुछ ऐसा होगा, है ना। जैसे ये डेंसर है तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ये आर हो गया। तो देखेंगे ये वाला एंगल जो है यहां पर ये वाला एंगल आर है, ठीक है, ये आर छोटा हो गया है, ये यहां पर आई जो था वो बड़ा था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये लाइट रे गया तो यहां पर अगर ट्रायंगल बनाएंगे, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा तो ये आई हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी अगर आप ट्रायंगल बनाएं, यहां पर ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल हमने आई लिया, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ये आर है, ये 90, ये 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा फिर से आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब ये आई और आर में जो रिलेशन होता है स्नेल्स लॉ से दिया जाता है, जैसे लिखते हैं म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, मतलब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आई, ठीक। तो ये तो हो गया जो वेव फ्रंट का बिहेवियर होता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे लेंस, मिरर या प्रिज्म के आसपास, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट किस तरह से ट्रेवल करता है और ये जो वेव की जो थ्योरी है वेव ऑप्टिक्स की वो किस तरह से डेवलप होती है। लाइट का जो वेव नेचर होता है उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हाइजीन की वेव थ्योरी। हाइजीन के हिसाब से जो लाइट है वो एक वेव होता है जो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है एक सोर्स जैसा बिहेव करता है, वहां से भी लाइट निकलता है और इस तरह से वो स्प्रेड होता रहता है। तो हाइजीन के हिसाब से कहा जा सकता है कि लाइट इज अ वेव विच travels in the form of wave fronts, है ना, wave fronts के form में ये travel करता है। Every point on wave front behaves as secondary source
called wavelets. है ना, अगर फिगर से समझे, जैसे ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो यहां से ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, है ना। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये जो लास्ट वाला जो वेव फ्रंट है, सबसे पहले यहां से सोर्स से निकला होगा, इस पर खूब सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। खूब सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करते हैं, ये भी सोर्स जैसा बिहेव करते हैं जहां से वेव निकलता है, जिसको कि वेवलेट्स कहा गया, है ना। अगर ये जो वेवलेट्स हैं, अगर इस इन वेवलेट्स को भी कवर करने के लिए एक इनवेलप बनाएं, है ना, ऐसे जस्ट कवर करने वाला एक इनवेलप बनाएंगे, तो ये वेव फ्रंट का नया पोजीशन हो गया। मतलब कि हमेशा ये जो वेव है ये फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अब ये जो नया वेव फ्रंट बना, यहां से भी खूब सारे सेकेंडरी जो है सोर्सेज होंगे, और ये जो वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी सोर्स हैं, इनको कवर करने के लिए एक और इनवेलप बनाएंगे यहां पर। तो इस तरह से वेव फ्रंट जो है अब उसका अगला पोजीशन आ जाएगा। तो इस तरह से वेव फ्रंट जो है वो आगे की तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड होता रहता है। तो हाइजिन ने कहा कि लाइट ऑलवेज moves perpendicular to wave fronts in forward direction. Perpendicular दो direction हो सकते हैं, है ना, जो wave front है इसके perpendicular दो, एक तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसने कहा कि forward direction हमेशा move करता है। हाइजीन ने कहा कि लाइट वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, उसने मीडियम का नाम भी बताया, अकॉर्डिंग टू हाइजीन लाइट वेव नीड्स मीडियम फॉर इट्स मूवमेंट। ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई, लेकिन हाइजीन ने ऐसा कहा कि मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। उसने एक मीडियम भी प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड एथर। ऐसा उसने इसका नाम दिया था। अब हाजी ने कई सारी थ्योरी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत सारी जो थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। हाइजीन्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन इंटरफेरेंस diffraction in reflection and refraction, but it could not explain polarization. पोलराइजेशन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसके बाद आई मैक्सवेल की थ्योरी, जिसने ये बताया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जहां पर लाइट चलता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उसने एक्चुअल में थ्योरी बताई, इसका इक्वेशन बताया, और साथ में लाइट का स्पीड भी कैलकुलेट करके दिखाया, और वो बिल्कुल सही आया। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइजीन के बाद मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। इसने कहा कि जो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव इन विच म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इन फेज साइनसॉइडली. तो जो साइनसॉइडल इक्वेशन है, जैसे अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा कुछ है, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है. ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, है ना, ये भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा. ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये जो इक्वेशन है इसको मैंने काफी डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, इसमें ओमेगा की वैल्यू भी कुछ स्पेशल आती है, के की वैल्यू भी कुछ स्पेशल आती है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट इससे कैलकुलेट करना हो, किसी भी वेव की जब स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, ओमेगा बाई के करते हैं. तो उसने भी ओमेगा बाई के की वैल्यू निकाली, ये आया 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये निकाला वैक्यूम में, है ना, इन वैक्यूम. और ये जो वैल्यू आया ये एग्जैक्टली जो है वो मैच कर गया जो लाइट का स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना. तो फिर ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये फाइनल थ्योरी माना गया और सबसे करेक्ट थ्योरी माना गया. जिस तरह से साउंड वेव के केस में हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि कोई साउंड का सोर्स है, अगर वो ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मोशन में हो तो वहां पर ऑब्जर्वर जो भी फ्रिक्वेंसी सुनता था, जो वेवलेंथ सुनता था साउंड का, वो चेंज हो जाया करता था. वैसे ही लाइट वेव के केस में भी होता है ना. कोई लाइट का सोर्स है, अगर वो ऑब्जर्वर के रिलेटिव में मोशन में हो, उसके लाइन जॉइन के लॉन्ग मोशन में हो, तो ऑब्जर्वर जो भी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है वो पहले से डिफरेंट हो जाता है ना. तो हम लोग यहाँ पर स्पेशली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो केस है जिसमें कि ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी लाइट के रिलेटिव में बहुत ही स्मॉल होता है ना. फॉर स्मॉल वेलोसिटीज ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर डॉपलर्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेव कैन बी यूज्ड फॉर लाइट वेव ऑल्सो, है ना. जब स्मॉल वेलोसिटीज नहीं होती है सोर्स और ऑब्जर्वर की, तो दूसरे तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे. यहां पर सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है लाइट के स्पीड से बहुत ही कम है, और इसलिए इस केस में साउंड वेव वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. तो साउंड वेव में आपने देखा कि हमने ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा है ना. ये फॉर्मूला होता है, यहां पर दोनों जगह माइनस साइन है, ठीक है. ये मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं ये फॉर्मूला. एक्चुअली में बुक्स में होता है कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, है ना, प्लस माइनस दोनों लिखा रहता है. तो ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना होता है कि ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव तब लेते हैं जब लाइट वेव के मोशन में इनका डायरेक्शन हो. लाइट वेव हमेशा सोर्स से निकलता है और ऑब्जर्वर की तरफ जाता है. अगर उस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा हो, उसी डायरेक्शन में सोर्स जा रहा हो, तो इनकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है. उल्टे जा रहा हो तो इनकी वेलोसिटी निगेटिव लेनी है. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. इसको मैं ले सकता हूं एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू सी माइनस वी ओ. वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और वी एस है यहां पर सोर्स की वेलोसिटी. यहां पर सी के जगह पर स्पीड ऑफ साउंड हुआ करता था यहां पर पहले, अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट हमने रखा है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आया, इसमें मैं ऐसा करता हूं दोनों तरफ माइनस वन कर देता हूं. तो यहां पर आएगा एन माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट. एन नॉट जहां पर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ये हो जाएगा सी माइनस वी ओ माइनस सी माइनस वी एस डिवाइडेड बाई सी माइनस वी एस. तो देखेंगे ये सी और ये सी कैंसिल हो गया.
तो ये एक्चुअली में क्या बताएगा, ये बताएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और यहां पर क्या आएगा, ये आएगा वी एस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय सी माइनस वी एस। तो यहां पर हमने पहले ही मान रखा है कि लाइट का जो स्पीड है उसके रिलेटिव में सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बहुत ही कम है, तो सी के रिलेटिव में वी एस को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, है ना, इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, तो ये आएगा वी एस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई सी। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो गया है ना, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई सी, है ना, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, साउंड में भी ऐसा ही करते थे, सोर्स और ऑब्जर्वर का जो लाइन ज्वाइनिंग होता था उसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हम लोग लिया करते थे। तो यहां से जो फॉर्मूला आया, ये आया फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये हो गया डेल्टा वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअली में डेल्टा एन बाई एन नॉट, ये जो रेशियो आएगा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, है ना, एक्चुअली में फ्रिक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि जो लाइट का स्पीड है सी तो चेंज हो नहीं रहा, हमें पता है सी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होगा, अगर एन एक फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो लैम्डा जो है घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, है ना, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसीलिए यहां पर माइनस साइन आया, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय सी। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब भी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन करना हो लाइट के केस में, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे जो कि एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिया गया है। पूछा गया है विथ व्हाट स्पीड शुड अ गैलेक्सी मूव विथ रेस्पेक्ट टू अस सो दैट द सोडियम लाइन एट 5,890 एंगस्ट्रम इज ऑब्जर्व एट एज 5,896 एंगस्ट्रम, मतलब वेवलेंथ पहले इतना था और इतना वेवलेंथ ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी वेवलेंथ बढ़ जा रहा है इसमें, है ना, वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो घट रहा होगा, फ्रीक्वेंसी कब घटता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रहे हों, एक दूसरे से दूर हो रहे हों, उस केस में। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई सी। तो मैं यहां पर जस्ट मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, माइनस हटा देता हूं, तो वेवलेंथ में कितना का चेंज आ रहा है देखेंगे, 6 एंगस्ट्रम का आ रहा है इसमें, और इसमें जो डिफरेंस है वो है 6 एंगस्ट्रम का, ओरिजिनल वेवलेंथ ये था 5,890 एंगस्ट्रम, ये भी एंगस्ट्रम में है, ये भी एंगस्ट्रम में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वी रिलेटिव ये फाइंड करना है किसके रिलेटिव में है, जो गैलेक्सी है वो एक तरह से सोर्स है जो कि लाइट इमिट कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी लिखा गया है मूव विथ रेस्पेक्ट टू अस, मतलब कि हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ के रिलेटिव में ये वेलोसिटी हम लोग ऑब्जर्वर है, है ना, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो वी रिलेटिव आएगा वो हो जाएगा 6/5,890 × 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये आएगा करीब 3.06×10⁵ मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे कर सकते हैं, या 306 किलोमीटर पर सेकेंड भी आ जाएगा ये, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से एक गैलेक्सी मूव कर रहा होगा। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करते हैं तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है,
हमें पता है कि जब वेवलेंथ चेंज होता है तो लाइट का कलर भी चेंज होता है ना। तो एक्चुअली में जब सोर्स और ऑब्जर्वर जब पास में आ रहे होते हैं तो फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रहा होता है ना, लेकिन वेवलेंथ घट रहा होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा होता है और वेवलेंथ घट रहा होता है। तो वेवलेंथ जब घटता है तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि जो हम लोग सेवन कलर्स के बारे में जानते हैं उसमें ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है ना। तो जब वेवलेंथ घट रहा हो तो उस फेनोमेना को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है ना। व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस ड्यू टू मोशन ऑफ लाइट सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। उसी तरह से जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो उस केस में फ्रिक्वेंसी घटती है लेकिन वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं रेड कलर की तरफ जा रहा होगा, जो लाइट हमें दिखता है ना, उसका जो कलर है ब्लू वायलेट से लेकर के रेड तक होता है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ चूंकि बढ़ रहा होता है तो कहते हैं कि वो रेड की तरफ जा रहा है, यानी उसको रेड शिफ्ट कहा जाता है ना। सिमिलरली व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस ड्यू टू मोशन ऑफ लाइट सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक्चुअली में तीन पार्ट्स दिए गए हैं। जो पहला पार्ट है इसमें पूछा गया है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब दो मीडियम है उनको सेपरेट कर रहा है एक बाउंड्री एक सरफेस, तो वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होता है। द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रिक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई, है ना। तो एक्चुअली में हमने पहले पढ़ रखा है साउंड वेव में, ये पढ़ते हैं या वेव ऑनस्ट्री में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव की जो इंटेंसिटी होती है या ट्रांसमिटेड वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स एक फ्रिक्वेंसी को इमिट करता है और वही फ्रिक्वेंसी जो है इंसिडेंट होती है, और जो इंसिडेंट होती है वही फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड की होती है ना। तो दूसरे तरीके से इसी चीज को समझा जा सकता है कि जो लाइट इंसिडेंट होता है जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है कहीं ना कहीं उस सरफेस के अंदर जो एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स के आसपास में कई सारे जो है सिस्टम है लाइट स्ट्रक्चर होता है, उनसे कहीं ना कहीं इसका इंटरेक्शन होता है इंसिडेंट लाइट का, है ना। तो इंसिडेंट लाइट है, हम लोग लाइट वेव की बात कर रहे हैं, उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो एटम्स होते हैं जैसे वो वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, और वो वाइब्रेट करने लगते हैं उसके अंदर ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्जेज भी होते हैं, चार्जेज वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब वाइब्रेट करने वाले चार्जेज जब कोई लाइट को इमिट करते हैं तो उस लाइट का जो फ्रिक्वेंसी होता है उस वाइब्रेटिंग चार्ज की फ्रिक्वेंसी से मैच करता है ना। तो ये होता है कि यहां से जो वाइब्रेटेड चार्ज है वो जो लाइट इमिट करते हैं वो लाइट क्या हो गया, या तो इंसिडेंट या तो रिफ्लेक्टेड कहलाएगा,
या फिर ट्रांसमिटेड कहलाएगा या रिफ्रैक्टेड कहलाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड की फ्रिक्वेंसी किसके बराबर हो गई, एटम्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के बराबर उनकी फ्रिक्वेंसी हो गई, और एटम्स की फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के बराबर। तो ऐसे कह सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है एक्चुअली में उतनी ही फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटेड लाइट की भी होती है और रिफ्लेक्टेड लाइट की भी होती है, वो इस वजह से क्योंकि एटम्स जो है वो भी वाइब्रेट करते हैं सेम फ्रिक्वेंसी से। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले पार्ट में पूछा गया है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज, डज द रिडक्शन इन स्पीड इम्प्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई लाइट वेव रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड तो घट जाता है, तो क्या स्पीड घटने से उसकी एनर्जी भी घट जाती है, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली में ये वेव है, वेव में क्या होता है पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, कहीं पर लाइट वेव की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, है ना। तो जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है, मैं उसी के एग्जांपल से बता रहा हूँ, उसमें हम लोग एनर्जी कैसे लिखते थे पार्टिकल्स के, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो कहीं फैक्टर नहीं आता, यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड कहीं फैक्टर नहीं आता, ये एम्पलीट्यूड जरूर एक फैक्टर आता है उनकी एनर्जी में, है ना। तो उसी तरह से लाइट वेव की भी बात करें तो जो एनर्जी है वो एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इसलिए अगर स्पीड डिक्रीज भी हो जाता है तो एनर्जी डिक्रीज नहीं होता, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें कहा गया है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। यहां पर पूछा गया इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, यहां पर कहना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। एक्चुअली में जो लाइट वेव की जो थ्योरी है, जो लाइट की थ्योरी है, वो दो तरीके से हम लोग जानते हैं, एक तो वेव थ्योरी और एक पार्टिकल वाला थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहा गया कि अगर वेव थ्योरी की बात करें तो उसमें जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है ना, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है ना। इंटेंसिटी कुछ इस तरह से लिखा जाता है हाफ, जैसे अगर हम बात करें इसमें वेव ऑन स्ट्रिंग की तो उसमें भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था, साउंड वेव की बात करें तो उसमें भी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। तो लाइट में भी ऐसे ही होता है ना, लाइट में भी जो इंटेंसिटी होती है लाइट वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी की तो क्वांटम थ्योरी में जो फोटोन थ्योरी होती है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग ऐसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू स्मॉल एन एच न्यू, एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होती है फोटोन की फ्रिक्वेंसी और एन होता है इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया पर वन सेकेंड में कितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द सेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।